हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी बेसिकली फिफ्थ सेमेस्टर में तो आए नहीं हैं क्योंकि वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वैसे आप टेक्निकली रूप से बस एक कहते ना एडमिशन होना रह गया, वैसे तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ ही गए हो। तो आज हम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आपको अपडेट देंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल का जो अपॉइंटमेंट है कब से शुरू होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन कब से शुरू होगा, प्लस एडमिशन आपके कब से होंगे। तो तीन चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे चीज़ को लेके कि सर एक वीडियो बना दीजिए सेपरेट फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है इस चीज़ को लेकर। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कल से जो आपकी क्लासेस हैं फिफ्थ सेमेस्टर की वो शुरू होने जा रही है। हमने ऑलरेडी सेंटर की जो लिस्ट है वो हमने शेयर कर रखी है, और सबसे बड़ी बात किताबें हैं नहीं, सिलेबस है नहीं, तो क्या ही स्टडी होगी, क्या क्लासेस होगी, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ मैं क्लासेस की बात करने नहीं आया हूँ, जो कि सब एक फॉर्मेलिटी के नाम पर और कुछ इसमें होता नहीं है। यहाँ मैं बात करने आया हूँ आपके स्टडी मटेरियल के अपॉइंटमेंट को लेके। एक्चुअली अभी हुआ ये है कि थर्ड सेमेस्टर के जो एडमिशन है, एडमिशन से पहले थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर सिलेक्शन यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो लिंक है वो उनके डैशबोर्ड पे दे दिया गया। ये सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली। जाहिर सी बात है, थर्ड सेमेस्टर का जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में थे तब आपको खुद पता है कि आपको स्टडी मटेरियल कब मिला था। और आप देखिए, अभी तो उनका एडमिशन भी नहीं हुआ, उनका रिजल्ट भी नहीं आया सेकेंड सेमेस्टर के, उनको स्टडी मटेरियल पहले दे दिया जा रहा है। एडमिशन से पहले उनसे बोला जा रहा है आप डैशबोर्ड पर जाइए, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए। बट क्या ये सेम चीज़ फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी होगी? जी नहीं, मैं ये चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, जी नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए सेम चीज़ नहीं होगी। क्यों? सबसे बड़ा कारण है स्टडी मटेरियल क्या प्रिंट होके आ गया है, क्योंकि पेपर सिलेक्शन आपका तभी होगा, सब्जेक्ट आप तभी सिलेक्ट करोगे। यहाँ मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए एडमिशन की बात हम लास्ट में करेंगे, अभी मैं बात करूँ स्टडी मटेरियल, क्योंकि स्टडी मटेरियल सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में SOL ने एक टेंटेटिव अकेडमिक कैलेंडर निकाला था जिसमें स्टडी मटेरियल मिलने की जो डेट थी वो 16 अगस्त बताई गई थी, जो कि बाद में SOL ने रिवाइज अकेडमिक कैलेंडर निकाल के बोल दिया कि नहीं भाई, अभी हमारे पास ना तो BA प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल है, ना ही BCom प्रोग्राम का फिफ्थ सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है, ना ही BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का अभी तक हमारे पास स्टडी मटेरियल है। नोटिफाइड सून लिख दिया है, यानी हम नोटिफाई कर देंगे। कब तक नोटिफाई करेंगे? कोई इसके लिए आंसर नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न है, अभी तक स्टडी मटेरियल आपका प्रिंट होकर आया ही नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न ये है। ठीक है, तो SOL ने उसको रिवाइज करके अपनी जो गलती है उसको बता दिया कि भाई पहले हमसे गलती हो गई थी कि 16 अगस्त हम दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हम किसी भी स्टूडेंट को फिफ्थ सेमेस्टर के। हाँ, जो BA ऑनर्स इंग्लिश के जो स्टूडेंट है फिफ्थ सेमेस्टर के, उनका जो स्टडी मटेरियल है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है फिफ्थ सेमेस्टर के, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल 2 सितंबर से मिलने की बात की गई है। बाकी के जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे वो BMS के हो, आपके BBA के हो, चाहे वो आपके BA प्रोग्राम के हो, BCom प्रोग्राम के हो, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के हो, उन सब का स्टडी मटेरियल नोटिफाइड सून कर दिया गया है कि कब मिलेगा कोई पता नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनका सब्जेक्ट सिलेक्शन पहले शुरू हो सकता है, क्योंकि 2 सितंबर से इनको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो हो सकता है कि 2 सितंबर से पहले, 2 से 3-4 दिन पहले इनको अपॉइंटमेंट इनका शुरू कर दिया जाए, जो कि एक अनुमान है, मैं सही बता रहा हूँ, अभी सच्चाई किसी को नहीं पता कि क्या BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का और BA ऑनर्स इंग्लिश का भी क्या स्टडी मटेरियल प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि अभी तक PDF भी अवेलेबल नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, SOL ये चाहता है, देखिए SOL की मैं कभी बुराई नहीं करता, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, SOL काफ़ी अच्छा कर रहा है कि SOL ने क्या करा इस बार थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ, कि एडमिशन से पहले उनसे बोला है कि आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए, जब भी एडमिशन शुरू होगा हम आपका एडमिशन फीस लेके आपको एडमिशन दे देंगे, क्योंकि रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो आप ER का ही फॉर्म भरोगे उसके साथ, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी में बैक है साथ में पे करोगे, तो एडमिशन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा तो सबको पता है कितना टाइम लग जाता है, तो स्टडी तो नहीं रुकनी चाहिए। जैसे थर्ड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल पहले से अवेलेबल था, बट फिफ्थ सेमेस्टर वालों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं है। अब एक्सपेक्टेड जो डेट है वो यही है कि आपको जो स्टडी मटेरियल है एक्सपेक्टेड यही कि सेप्टेम्बर तक के महीने में ही आपको मिल पाएगा। फिलहाल इस महीने उम्मीदें ना के बराबर
बिल्कुल नहीं है कि आपको इस महीने कोई स्टडी मटेरियल के लिए अपॉइंटमेंट पहले मिलेगा। आपसे मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप वेट कीजिए, क्लासेस कल से शुरू हो रही है, अटेंड करना चाहते चले जाना खाली बस्ता लेके, और क्या कर सकते हैं इसमें। और बाकी अब जो भी होगा फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अगले महीने होगा, तब तक आपका रिजल्ट भी आ चुके होंगे और मुझे लगता है एक साथ एडमिशन भी हो जाएंगे और तब अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल का तो ऐसा, अगर PDF ही आ जाए, है ना, तो कभी कभी हमने ये भी देखा कि कई सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल अवेलेबल भी नहीं होते, क्योंकि आप जो स्टूडेंट हो ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए अभी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, अभी फिफ्थ सेमेस्टर है, उसके बाद जो अब एक्स्ट्रा सिक्स सेवन सेमेस्टर होगा, क्योंकि 4 साल का गैप है, उसमें भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अभी जो चीज़ें चलने वाली है, तो आपसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अभी सेप्टेम्बर के महीने में सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपसे वेट करने को मैं बोल रहा हूँ बार बार। और जैसे अगर अपॉइंटमेंट शुरू होता है, अगर स्टडी मटेरियल आ जाता है, वैसे 2 सितंबर की डेट उन्होंने डाल रखी है, इससे ये तो क्लियर हो गया, तो अगस्त के महीने में फ़िलहाल आपके लिए तो कुछ है नहीं, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बेशक मिलेगा, बट आपके लिए फ़िलहाल तो अभी कुछ है नहीं, क्योंकि स्टडी मटेरियल जब तक नहीं आएगा तब तक क्या वो आपको देंगे, क्या ही सब्जेक्ट सिलेक्शन पहले होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब स्टडी मटेरियल होगा, बाकी एडमिशन जब शुरू हो जाएंगे तब तो सारी चीज़ें साथ में हो ही जाएगी। तो सेप्टेम्बर तक वेट कर लीजिए, मिड ऑफ सेप्टेम्बर है ना, तो तब तक तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बट हाँ, क्लासेस कल से शुरू हो रही है फिफ्थ सेमेस्टर की, जाना चाहते हो चले जाना, नहीं जाना चाहते तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना था, और ये चीज़ को मैं बार बार इस चीज़ को उठाता हूँ कि हाँ, अभी आपको और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि स्टडी मटेरियल लेट होना, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके लिए सारी चीज़ें नहीं है। देखिए, इसमें कोई जाहिर सी बात नहीं है, आप पीछे जो छोड़ के जाओगे वो आने वाले स्टूडेंट को मिलेगा, टाइम से पहले मिलेगा, बट आपको लेट मिलेगा, ये सच्चाई है आज के टाइम की, एक्सेप्ट कर लो, जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा। तो वीडियो का इसलिए जो होता है, थैंक यू।